ஏய் ஷேங்லே ஷேங்கே ஷேங் வாலே ஷேங் வாலே நாடியால் பானி சாயே तो अभी हम घोराई में है, लेकिन हाई टाइड की वजह से द बीच इज अंडर वाटर। तो अभी मैंने लंच कर लिया है मेरा। चलो भाई, तो अभी चेंज ऑफ प्लान हो गया है, गोराई बीच पर रुकने नहीं मिला। वी आर गोइंग टूवर्ड्स ग्लोबल विपस्सना पैगोडा एंड देन आफ्टर वी विल गो टू सेक्रेड चर्च। तो एक साल पहले मैं यहाँ पर आया था और अभी एक साल के बाद डायरेक्ट आ रहा हूँ, बट इस टाइम मैंने बहुत जगह एक्सप्लोर की है फॉरेनर रिक्शा में ट्रैवल करते हुए। तो गाइस लेट्स गो। और ये रोड एसएल रोड को जाता है। वेलकम टू ग्लोबल विपस्सना पैगोडा। वाह 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 वाह। तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट चर्च विच इज सेक्रेड हार्ट चर्च। राइट नाउ मैं अभी सेक्रेड हार्ट चर्च में हूँ। सो अभी यहाँ से डायरेक्ट अभी मनोरी जाएंगे। मनोरी में एक काफ़ी अच्छा फैंटेस्टिक लोकेशन है, वो एक्सप्लोर करेंगे। और वहाँ पर भी एक चर्च है तो वो भी देखेंगे। काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका हुआ अभी तक, थोड़ा गर्मी की वजह से प्यास बहुत लग रही है। तो वेलांकनी चर्च से हमारी शुरुआत हुई थी, वहाँ से हम उत्तन बीच गए, लेकिन उस समय हाई टाइड शुरू हुई थी तो आई डिसाइडेड टू गो टू गोराई बीच, बट अगेन ड्यू टू हाई टाइड आई कुडंट गो टू द बीच। देन आई डिसाइडेड टू गो टू पैगोडा विच आई एक्सप्लोर्ड।
पैगोडा में बहुत बार गया हूँ पहले भी। इससे पहले मैं पीछे एक चर्च था, होली मैगी चर्च, तो वहाँ पर प्रेयर्स चल रही थी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे उन प्रेयर्स में बैठकर, क्योंकि मुझे क्रिश्चियनिटी का नॉलेज है तो मैं बहुत कुछ रीड कर पाया और मैंने प्रे किया सबके लिए दैट एवरीवन विल बी हैप्पी एंड एवरीवन विल गेट द गॉड्स ग्रेस। चलो हिंदी में बोलो। हिंदी में वहाँ जाने के लिए ऐसे रास्ते क्या ऐसे जाओ? गाइज व्हाट इज दिस, दिस इज सो एक्साइटिंग। ज़्यादा आगे जाएंगे नहीं, बस वहाँ तक जाएंगे क्योंकि एकदम आगे स्लिपरी हो सकता है। ये है मुंबई में वो ढासू जगह, वो मुंबई में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके लिए मुंबई में है एक जगह भारत पॉइंट, जो कि मरीन ड्राइव के ऑपोजिट साइड में, जो कोलाबाग के नेवी नगर के यहाँ से निकलता है, वो भी काफ़ी बड़ा है, इससे बड़ा है शायद। हाई टाइड चल रही है और शाम के 4:30 बज रहे हैं। सामने वाला गांव ये मनोरी है और शायद वहाँ पर मनोरी बीच होगा उसके पीछे। काफ़ी अच्छा टाइम है और लगभग आज बहुत अच्छा दिन गया है। तो अभी हम अभी यहाँ से आगे निकलेंगे मारवे के लिए। चलो भाई साहब, वी आर फाइनली अराइव्ड फ्रॉम देयर टू हियर। चलो भाई गाने सुनते चल रहे भाई साहब। Right now we are at the Aksa beach and I think this might be the last destination for today because there is no time to go ahead to other beaches, which is Rangal, Mud Island and Danapani. So the time is right now, it's 6:21 and it's time फॉर सनसेट। चलो भाई साहब मुझे अब इस तरह उठा लो और चलो घर पे। ए शेंग ले शेंग शेंग वाले शेंग वाले नारियल पानी चाय। चलो भाई साहब काम करो वरना चाय बेचनी पड़ेगी।